हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज हम एक और डिश बनाने जा रहे हैं, शिमला मिर्च और आलू। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पाव शिमला मिर्च ली है और 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, क्योंकि मैं बहुत थोड़ी सी सब्जी बनाने जा रही हूँ, एक बंदे के हिसाब से बनाने जा रही हूँ। ये मैंने एक बड़ा साइज का प्याज ली है और इसके बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने शिमला मिर्च को भी इसी तरह से काटा है, थोड़े बड़े बड़े साइज के टुकड़े काटे हैं। और ये आलू हैं, एक आलू में से मैंने 8-8 पीस काट लिए हैं, 4 करने के बाद एक एक बार फिर से उसे काटा है। तो देख रहे हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। ये मैंने एक चम्मच तेल लिया है बड़ा सब्जी का और उसमें आधा चम्मच जीरा डाला है। और जीरा डालने के बाद ये आलू हैं जो मैंने काट कर धो के रखे हुए थे, तो अब इन आलूओं को मैं फ्राई करूंगी। तो गाइस, थोड़ी सी देर हो गई थी इसलिए आलूओं का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैंने काट के रखा हुआ था आधे घंटे पहले। तो इस तरह से अगर हम पहले आलू फ्राई करेंगे इसमें तो गल जाते हैं और इसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है सब्जी अगर इस तरीके से आप बनाते हैं। तो 5 मिनट तक आप आलू को इसी तरह से भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम करके, क्योंकि हम आलू शिमला मिर्च बना रहे हैं तो शिमला मिर्च जल्दी गल जाती हैं और आलू टाइम लेते हैं गलने में, इसलिए मैं पहले आलूओं को डाल रही हूँ। और इसमें देखिए आधा चम्मच मैंने नमक डाला है, अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। अच्छे से चला दीजिए ताकि नमक सारे आलू में मिक्स हो जाए। और ये आधा चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी सारे आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। बीच बीच में चलाते रहिए वरना ये एक ही साइड से फ्राई हो जाएंगे और दूसरी साइड से कच्चे रहेंगे आलू, तो इसलिए हमें जितने टाइम तक फ्राई कर रहे हो उस टाइम पे आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहना है। अब हम देखेंगे आलू थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं तो उसमें मोटी मोटी कटी हुई जो प्याज है उसे डालेंगे, उसे डालकर भी हम इस तरह से चला देंगे। तीन से 5 मिनट तक हम इसी तरह से फ्राई करेंगे इसे प्याज को आलू के साथ। इस तरह करने से ये जो प्याज में स्मेल आती है प्याज की वो निकल जाएगी और थोड़ी सी ये गल भी जाएगी आलूओं के साथ। तो 3 से 5 मिनट तक हम इसे रखेंगे और उसके बाद बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए इस तरह से। और इसके बाद अब हम डालेंगे शिमला मिर्च कटी हुई जो मैंने काट के रखी हुई है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे सारा प्याज आलू और मिर्ची एक साथ मिक्सअप हो जाए। इस तरह से हम चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे सब्जी को पूरी। तो गाइस, इस सब्जी में पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ ये तेल में ही इसको गला देते हैं और क्योंकि शिमला मिर्च है तो इसमें से भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में, थोड़ा सा पानी इसके अंदर निकलता है तो उसी पानी से ये गल जाती है। तो अब इसमें मैंने देखिए आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं इसमें, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी। और जो टमाटर काटे हुए थे बड़े बड़े वो भी अब हम डाल देंगे। बाद में टमाटर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती हूँ तो आलू और ज़्यादा टाइम लेते गलने में, क्योंकि इसमें खटास होती है
देसी टमाटर हैं ये बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, तो अगर मैं स्टार्टिंग में टमाटर डाल देती तो आलू बहुत ज़्यादा टाइम लेते और गलते नहीं हुए इतनी जल्दी। तो अब देखिए 50% आलू गल चुके हैं, उसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च डाली है और टमाटर डाले हैं और ढक के रख दूंगी इसे मैं 10 मिनट के बाद मैं इसे ओपन करूंगी। और फ्लेम मैंने इसे बहुत सिम करा हुआ है, एकदम स्लो ओपन करने के बाद, 10 मिनट के बाद ओपन करा है। तो देखिए इसकी कंडीशन ऐसी है कि शिमला मिर्चें भी गल चुकी हैं और आलू भी और टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए। बड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती है ये सब्जी इस तरह, क्योंकि इसमें पानी डलता नहीं है, इसमें क्रिस्पीनेस रहती है और एक टेस्ट बहुत ही अच्छा खुलकर आता है इसका। चेक कर लेती हूँ मैं आलू गले हैं या नहीं। देखिए आलू गल गए हैं ऑलमोस्ट। कितनी अच्छी रंगत आई है गाइस। इस सब्जी को आप रोटियों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं और पराठे के साथ तो मजा ही आ जाएगा। तो गाइज अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखते रहें और टेस्टी टेस्टी खाने बनाना सीखते रहें, घर में बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और तो चलिए गाइज अब ये डिश बन चुकी है और मैं फिर मिलती हूँ एक अगली डिश में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।